नसरुद्दीन और नसरुद्दीन हज्जा की कहानियां तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। चलो एक और कहानी सुनते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन टर्की में रहा करते थे 800,000 साल पहले। उनके पास एक बड़ा ही जिद्दी और आलसी गधा डोंकी था। कई साल बीतने के बाद भी नसरुद्दीन और उसकी बीवी उसे कुछ नहीं सिखा सके। थक हार कर नसरुद्दीन ने सोचा, इस गधे को बेचकर मैं दूसरा गधा लाता हूँ। अगली ही सुबह नसरुद्दीन निकल पड़े गधे को लेकर। जैसे तैसे करके खींच खांच के गधे को लेकर वो बाजार पहुँचे। बाजार में कई जानवर बिक रहे थे। जो सही बोली लगाता उसे जानवर बेच दिया जाता। जब नसरुद्दीन की बारी आई तो कई लोगों ने अलग अलग बोली लगाई। जिसने सबसे ज़्यादा लगाई नसरुद्दीन ने उसे अपना गधा बेच दिया। चलो बला टली, ये सोचकर नसरुद्दीन निकल पड़ा दूसरा गधा खरीदने। कई गधों को देखा, नसरुद्दीन को कोई पसंद नहीं आया। तभी उसकी नज़र पड़ी एक भीड़ पर। जाकर देखा तो एक व्यापारी एक बड़े सजे धजे गधे को बेच रहा था और उसकी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा था। देखो देखो इस गधे को देखो, कितना तंदुरुस्त गधा है। उसके मांस पसलियों को देखो, कितना सुंदर है ये गधा। जिसके पास भी जाएगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा। बड़ा मेहनती गधा है ये। नसरुद्दीन को गधा पसंद आ गया। पर जब उसकी बोली लगने लगी तो गधे की कीमत बढ़ने लगी। जब कीमत 9,000 तक पहुंची, नसरुद्दीन को लगने लगा, अरे ये गधा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो जोर से चिल्लाकर नसरुद्दीन ने कहा, 10,000। उस गधे को नसरुद्दीन को बेच दिया गया। खुश होकर नसरुद्दीन घर पहुंचा उस गधे के साथ और अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने बड़े ध्यान से गधे को देखा। अरे अपने ही गधे को वापस खरीद कर ले आए, वो भी ज्यादा कीमत में। नसरुद्दीन सोच में पड़ गया। हाँ ये हमारा ही गधा है, पर उस व्यापारी को इसकी खूबियों के बारे में कैसे पता था। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसकी खूबियां हमें क्यों नहीं दिखी और उस व्यापारी को दिखी। तो होता है ना, घर में जो चीज़ें होती हैं, घर के लोग जो होते हैं, हमें उनकी कीमत के बारे में पता नहीं रहता। तभी कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। पर आपको लगता है वो व्यापारी ने गधे की इतनी तारीफ करी, क्या वो गधा बदल गया? क्या वो जिद्दी और आलसी नहीं रहा? अब आप लोग इस पर विचार कीजिए। मेरी कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई। अगली कहानी तक आराम फरमाइए।